मऊ की सदर विधानसभा सीट भाजपा के लिए अजेय बनी हुई है। कई प्रयोगों के बावजूद अब तक यहां एक बार भी कमल खिल नहीं सका। हां, 1967 में जनसंघ से दियाबाते चुनाव चिन्ह पर लल्लू बाबू विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद तो सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीत को तरसती रही। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गठबंधन कर यह सीट सुभाषपा को दी थी। गठबंधन प्रत्याशी ने भाजपा लहर में मुख्तार अंसारी को कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन जीत नहीं सके। सदर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, जनता पार्टी, बसपा और निर्दल को भी मौका दिया है, लेकिन भाजपा को हमेशा ही निराशा हाथ लगी। सदर विधानसभा पहले कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता रहा है। 2002 से लगातार सदर सीट पर मुख्तार अंसारी का कब्जा है। वर्ष 2017 में भाजपा लहर में जिले की 4 विधानसभा सीट में 3 पर कमल खिला था, तब भी यहां सदर सीट पर बसपा उम्मीदवार मुख्तार अंसारी की जीत हुई थी और वो चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। मऊ जिले के सदर विधानसभा सीट पर 1952 के पहले चुनाव में यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी पद्मनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी से 4 बार अलग अलग लोग विधायक निर्वाचित हुए, जबकि कांग्रेस ने भी 4 बार अपना परचम लहराया। वहीं 1967 में जनसंघ के लल्लू बाबू विधायक निर्वाचित हुए और 1977 में जनता पार्टी से वो रामजी सिंह चुने गए। 1980 में भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद आज तक सदर विधानसभा सीट पर एक बार भी कमल नहीं खिला है। हालांकि भाजपा कई चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी जरूर रही है।